हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द पैरल स्टोरी। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा और टाइटल भी आपने देख लिया कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो मैं आपको तीन सॉल्यूशन दूंगा, तीनों में आपका एरर फिक्स हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, जो मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम आपको एरर दिखाते हैं कि एरर किस टाइप से होता है। जब कोई आप गेम डाउनलोड करते हैं, कोई बड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो इस टाइप से आपके पास एक एरर होता होगा ISDONE.DLL। इस टाइप से आपके पास एक मैसेज होता होगा। जब ये मैसेज क्यों आता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आपके सिस्टम में मैसेज आया क्यों एरर। तो एरर मेन कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यही होती है, अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर स्पेस ना हो, आपको जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं या जो गेम आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है स्पेस की, वो आपके सिस्टम में नहीं होती है, तभी एरर होता है। तो आप पहले तो अपना सिस्टम को चेक कर लें उतना स्पेस है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने जो पहली कंडीशन है, आप विंडो डिफेंडर को इसमें से अनेबल डिसेबल कर दें, साथ में जो आपने मालवेयर या एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है उसको डिसेबल कर दें। पहली कंडीशन ये है, अगर स्पेस नहीं है तो ऐप उसको अनइंस्टॉल कर दें और अपना स्पेस चेक कर लें। दूसरी मेथड ये है कि जब आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है गेम्स की, या जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो एक बार चेक कर लें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम 32-bit चला रहे हैं और किसी किसी गेम को 6GB रैम चाहिए या 8GB रैम चाहिए, और हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कई गेम होते हैं, कई एप्लीकेशन होती हैं जिसकी वजह से वो सब शो नहीं हो पाता है और वो गेम इंस्टॉल नहीं हो पाता है, स्पेस कम रह जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये एरर आता है। ये तो हो गए दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये सब होने के बाद भी अगर आपके सिस्टम पे ये एरर आ रहा है तो आपको अपने गूगल पे जाना है। इस टाइप से जब आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं इस टाइप से ये शो होता है, नीचे एरर आने लगता है। तो तीसरे मेथड में आपको ये है कि अगर रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट कंप्लीट है फिर भी आपके पास एरर आ रहा है तो आपको गूगल पे जाना है, DLL फाइल्स करके आपको एक एप्लीकेशन विंडो खोलनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका एरर आ रहा है, जैसे आपके नाम से एरर शो हो रहा था ISDLL ISDONE करके, आपको इस पर यहाँ डालना है और एंटर करना है। जैसे आप करेंगे इस टाइप से आपका शो होगा, आप इस पर क्लिक करें, नीचे आएंगे, आपका सिस्टम जिस कॉन्फ़िगरेशन में, उस कॉन्फ़िगरेशन में उसका वर्जन डाउनलोड, लेटेस्ट का वर्जन है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इसको, आप इसको ओपन करें, इसको कहाँ प्लेस करना है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इसको हटाओ, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जहाँ भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं इसको यहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा जहाँ पर भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे इसको, ये जो फाइल है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, आप कट कर लीजिए। लोकल ड्राइव सी में जाना है आपको, विंडोज़ में जाना है आपको। सिस्टम 32-bit है तो सिस्टम 32-bit में जाइए, सिस्टम 64-bit है तो आप सिस्टम 64-bit में जाइए और वहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए। जैसे मैं सिस्टम 32-bit है, मैं इसमें जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट, कंटिन्यू कर दीजिए, ये आपके में आ जाएगी। इसके बाद आपने सिस्टम बंद कर दीजिए और एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट होने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका नहीं होता तो प्लीज़ आप विंडो अगर 7 यूज कर रहे हो, विंडो 7 को हटा दीजिए सिस्टम से, नया विंडो कॉन्फ़िगरेशन डालिए, विंडो 10 को यूज करिए और अपने जो गेम चला रहे हैं या जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप चेक कर लीजिए कि उसमें कितना मेमोरी चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितना रैम चाहिए, उस हिसाब से उस गेम को डाउनलोड करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपका इन सब लोग जो तीन मेथड बताएं इसमें से बहुत से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा या उनको इशू मालूम चल गया होगा कि ये क्यों आ रहा है एरर। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, एक कमेंट कर दीजिए, जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।